आज अपील करता हूं भगवान वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पे कि हमारे लोग इस काम को छोड़े। अब हमें संविधान में पढ़ने का और आगे बढ़ने के लिए बहुत रास्ते हैं, और कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम इन चीजों को छोड़े, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कुछ हमारे अंदर भी कमी है, हम अपने आप को कमजोर समझ बैठे हैं। जबकि मैं इस वर्ग से आता हूँ, देखो पढ़ लिखे जो है, मैं चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे लोग इसको किस्मत समझ बैठे हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत लिखा। भगवान ने कहाँ लिखा? भगवान ने तो जहाँ कोई भगवान है जिसको मैं माँ बाप के रूप में देखता हूँ, गुरु के रूप में, उसने तो हमें पढ़ने का अधिकार दिया संविधान के। बिल्कुल पढ़ लिखे हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें। प्रयास एक समाज में जागृति भी आए, मेरा वादा है कि मैं अपने परिवार को अकेला नहीं रहने दूंगा। धन्यवाद, मेरा प्रयास रहेगा। महेश मेरे जाने के बाद आप बात कर लेना, जो भी बुनियादी जरूरतें हैं उसको करके शाम के टाइम तक वो एडजस्टमेंट करा लेना। और बाकी सक्रिय रूप से प्रयास ये करना है कि आश्वासन ना रहे, यहाँ विधायक जी से बात करके उनसे भी प्रयास करना है कि इन बच्चियों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हो और माँ के लिए भी। अब ये हमारा परिवार है, उनके लिए तो ये सरकारी मामला है, हमारे लिए सरकारी नहीं है, हमारे लिए परिवार। ठीक है माँ, ये दोनों की शक्ल आप देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। ये हिमांशु वाल्मीकि जी है, ये दोनों लोग बच्चे आप ही देख लो, दोनों फिट महीने, ये दोनों लोग आए जाएंगे भी आपसे संपर्क। संजय है, ठीक है, और ये हमारे और लीडर हैं जाटव जी, ये सब लोग आएंगे और ये आपके संपर्क में रहेंगे, और ये आपको अपना मोबाइल नंबर भी देंगे, कोई भी बात हो तो आप इनसे डिस्कस कर लेना, क्योंकि आजकल झूठ बहुत चल रहा है, ऐसा ना हो कि, क्योंकि सक्रिय रहना इससे जरूरी की जानकारी होना, कहीं ऐसा ना हो कि सबसे धोखा हो। सर देखो 9 बजे से पड़े थे वहाँ पर, फिर एक कप चाय की मैंने भूल लिया, हमें तो यहाँ पर कल रात 9-10 बजे थे उनको आते हैं वहाँ से, वहाँ फरीदाबाद में। बुरा ये हुआ ना कि वो आपसे संपर्क में नहीं था, वरना नहीं हमारे टीम थे सर वहाँ, तो फिर चाय भी नहीं पूछी कुछ नहीं सर। परसों हमारे परसों डेट वाले दिन थे, डेट वाले दिन पूरी टीम थी। कल कौन कल जाने नहीं, हमारे यहाँ ऐसा पहना हुआ कोई नहीं, नहीं हमारे। हाँ ये अगर ऐसा पहनावा कोई होगा ना तो वो अपने परिवार को किसी के भरोसे में छोड़ेगा। ये याद रखो, ये जिसने पहना है ना, ये देखो है ना, ये पहने में लोग, हाँ ये बस ये लोग आपको ना, क्योंकि ये परिवार के लोग, ये आपको ऐसा ही महसूस नहीं होने देंगे। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार संतुष्टि कंपनी मुनेश है। अच्छा, उससे कॉन्टेक्ट में? हाँ जी। तो पहले ही काम कर गाड़ी पे, दिहाड़ी 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 पे 4 रुपए की दिहाड़ी थी बस। अच्छा, संविदा पे? संविदा नहीं, वो ठेकेदार से कांटेक्ट हो। जी, उस सीवर का कोई अनुभव नहीं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से फरीदाबाद लेके गए? हाँ, इन्होंने फोन कर दिया था, इनके साथ में कोई अफसर भी नहीं गया था ना, तो ये इन्हें पहले जाते रहते थे, इनका वो काम नहीं था, जिस उस दिन जो काम करवाया उनसे। अच्छा, वो उन्होंने अपनी तरफ से करवाया, वैसे उनका काम नहीं था वो वाला। आपको किसने खबर दी? ये मेरे छोटे वाले भाई के पास में फोन आया था कि हॉस्पिटल से कि जी उनको है ना करंट लग गया, आप आ जाओ। अच्छा, हाँ चोट लग, मतलब ये कंफर्म नहीं है उनको करंट लगा या क्या कुछ हुआ भी है? तो जब ये वहाँ पहुँचा इससे खाली इतना बोला मोर्चुरी में ले जाके कि अपनी आदमी की शिनाख्त कर लो बस। फोन किसने किया? मतलब मेरे पास फोन आया था कि 4 लड़कों के चोट लग चुकी है। अच्छा, आपको बिहार जो हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ जाके पता चलता है, मेरे से लिखवा लेते हैं मेरा एड्रेस वगैरह, तो वहाँ जैसी बात है किसी के चोट लगेगी तो इमरजेंसी में ले जाएंगे, तो उस हॉस्पिटल की वजह बीके हॉस्पिटल में लेके गए वो। अच्छा, तो उन्होंने ये दिया, बीके प्राइवेट है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। अच्छा, तो वहाँ मेरे को, मैंने किसी के अगर चोट लगेगी तो वो इमरजेंसी में ही जाएगा, तो मैं इमरजेंसी के बाहर जाके खड़ा हो गया, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि मेरे को मोर्चरी के बाहर ले गए। अच्छा, बस मोर्चरी के बाहर मेरे को सिर्फ डेड बॉडी ही मिली देखने के लिए। अच्छा, ये चार ही लोग गए थे? चार ही लोग गए थे सर, चारों ही नहीं रहे? नहीं, जो भी सफाई का काम कर रहा है, पहले तो उनको मेरे संदेश, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में समान अवसर दिए, तो पढ़ लिख के इसे अच्छे काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें इसको अपनी किस्मत समझ के मरने के लिए नहीं, सीवर में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, सरकारों ने जो हमारी जिंदगी साथ खिलवाड़ किया, सीवर टैंक में उतारने से पहले हमें कोई सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं दिया, और क्योंकि हम पे रोजगार नहीं है, तो रोजगार की कमी के कारण हम लोग सीवर टैंक में उतरने के लिए क्यों उतरे हैं पता है? रोहित और रवि क्यों उतरे हैं? क्योंकि घर में कनस्तर में आटा नहीं,
बच्चे तो पाल ले। मैं जहाँ बैठा हूँ ये चूरा यहाँ भी टपक रहा है सभी। ये इस बात का प्रमाण है कि जानवर और इनके जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो हमारे लोग बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ हिमांशु जी, महेश जी, भागड़ी जी, तमाम ये छविराम जी, हमारे जो सब सीनियर लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। मैं आज यहाँ भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती के अवसर पर आया था तो मेरे मुझसे भी इनकी बात हुई सुबह। तो पहले हम जयंती के उत्सव में ना जाके, हमारा तो उत्सव और हमारा संघर्ष यही है हम अपने समाज के दुख दर्द में काम आ सकें। पहले हम यहाँ आए, उस परिवार से मिले, अब इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, इस सरकार से मांग करेंगे, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी हम प्रयास करेंगे। क्योंकि इन बच्चों को 10 दिन तो सब लोग याद रखेंगे, 1 महीना याद रखेंगे, उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे कैसे अपना जीवन जिएंगे। मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, मैं चाहता हूँ इन बच्चों को रोजगार की व्यवस्था सरकार करे और जो आश्वासन है वो सिर्फ आश्वासन ना हो। सर यहाँ के लोगों को आप थोड़ा मोटिवेट करें कि यहाँ के लोग यही सोचते हैं। उसका काम जो है, मैं खुद यहाँ दक्षिण कोरिया में लीडर्स कर रहे हैं, उसका काम आप देख रहे हैं। 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, लोगों को सब आश्वासन दे के ये होगा वो होगा ऐसे बोले जा रहे हैं, तो मैंने कहा ऐसे तो कोई हवा में कह के जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि महेश करवाल जी और तमाम सीनियर लीडर यहाँ हैं। जी आप आगे तो कम से कम मैं मेरे आने के बाद क्या उम्मीद करते हो? हम बिल्कुल 100% आदर्श सर हम आपको मानते हैं। आज की युवा पीढ़ी आप पे याद रखो कि जो कमी रहेगी उसको पूरा करने के लिए हम लोग आश्वासन वाले लोग चले गए। संजय को पता लगा मैं अभी सीधा व्याट से सीधा यहाँ